इंदौर में बीती शाम छात्रों द्वारा कलेक्टर का विरोध करते हुए का नजारा सामने आया है। वहीं छात्रों ने कलेक्टर पर भूमाफियाओं का साथ देने का भी आरोप लगाया है। यह मामला है इंदौर के कृषि कॉलेज का, जहां के छात्रों ने कलेक्टर मनीष सिंह के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। हम तो सबसे पहले ये कहना चाहते कि जो इंदौर कलेक्टर हैं, वो आजकल इंदौर में भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं, और जो इंदौर के जो कृषि भूमि रिसर्च की भूमि है उसको हथियाना का काम कर रहे हैं, और इस भूमि को भूमाफिया को देना चाहते हैं, और जो रिसर्च को पूरी तरीके से इंदौर से खत्म करना चाहते हैं, जो इंदौर की आत्मा है। आज इंदौर कलेक्टर द्वारा इतनी जल्दी में हमारे किसी को भी कोई वर्बली कम्युनिकेशन कर और हमारे डीन को और हमारे वाइस चांसलर को धमका कर और उनसे उस जमीन के जबरदस्ती हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जमीन पर 100 वर्षों से रिसर्च चल रहा है। आज मध्य प्रदेश को जो उत्क्रमण कृषि अवार्ड मिला है वो इंदौर का बहुत बड़ा योगदान है। आज यहाँ पर रिसर्च की बहुत सारी वेराइटियाँ निकल रही। ये पहले कह रहे थे कि हम ऑक्सीजोन बनाएंगे, और आज जो पत्रिका न्यूज़ में आया उसमें बोल रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं। आप हम सारे कलेक्टर पूरे इंदौर के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, आप आज इंदौर कृषि महाविद्यालय चले जाए, 3 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा पूरे इंदौर से, तो वहाँ पर कोई हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं। तो जो इंदौर कलेक्टर की मंशा है, ये जो 30,000 करोड़ की जो संपत्ति है, ये यहाँ के भूमाफिया को देकर उस पर हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे और पूरे अनुसंधान को खत्म कर देंगे, और जो एक इंदौर की आत्मा है ये कृषि महाविद्यालय, इसको हम विश्वविद्यालय बनाने में लगे थे, और इनके द्वारा उस पर जो एक तरीके से, और अगर इनको ऑक्सीजन जोन बनाना है तो यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के कलेक्टर, इनके पास 5-5 एकड़ जमीन में बंगलों में रहते हैं, इनको फ्लैट में जाके हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको क्या जरूरत है, ये तो समाज की सेवा करना है कलेक्टर, इनको सिर्फ दो अगर एक फ्लैट में भी अगर रह ले तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कृषि अनुसंधान की जमीन ही कलेक्टर और कमिश्नर को दिख रही है, इनको सबसे पहले शिफ्ट होना चाहिए, और वहाँ पे रेसिडेंसी एरिया सारा एरिया है। आपको अगर रिसर्च की जमीन ही खत्म करने को मिल रही है मध्य प्रदेश में, आप कृषि को खत्म करना, जो श्रीलंका के हालात है वो पूरे भारत में पैदा करना चाहते हो कृषि के क्षेत्र को खत्म करके, तो हमारे ये हम सीधे इंदौर कलेक्टर को बोल रहे हैं कि लैंड शार्क की तरह यहाँ काम कर रहे हैं और पूरी जमीन और पूरे कृषि को अनुसंधान को खत्म कर रहे हैं। मैं राधे जाट राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन आवा का, और मैं पूरे इंदौर कलेक्टर और कमिश्नर पे इल्जाम लगा रहा हूँ। दूसरा ये कहना चाहता कि जो कमिश्नर आए वो दिल्ली से आए, वहाँ पर ICR की जमीन है वो 1,000 एकड़ में फैली हुई है, अगर इनको इतनी चिंता थी तो वो ICR की जमीन को डाइवर्ट करके वहाँ पर ऑक्सीजन जोन बनाना था ना इनको। शाम 6 बजे कृषि कॉलेज के विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कलेक्टर मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि कलेक्टर मनीष सिंह भूमाफियाओं का साथ देकर हमारे कॉलेज की जमीन को हड़प रहे हैं।